आपको याद होगा, महीना भर पहले लखनऊ के अकबरनगर कॉलोनी पर बुलडोजर चला था। उस वक्त लगभग सभी हुड़कचुल्लू एंकर एंकराओं ने एक नजर से देखने वाली योगी सरकार की न्यायप्रियता का स्तुतिगान किया था। लखनऊ के अकबरनगर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का चौथा दिन है। चौथा दिन भाईजान भड़क गए। लखनऊ में कुकरेल नदी पर किए गए सभी प्रकार के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम चल रहा है। इसमें रिहायशी इमारतें हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी थे जिन्हें तोड़ा गया है। 10 दिनों के आखिरी एक्शन के तहत बीती रात योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर ने वहां की 4 मंजिला मस्जिद को गिरा दिया। अब कहां अकबर और कहां नगर, सब सन्नाटा हो गया, सब सन्नाटा हो गया। और उसी हाईकोर्ट के फैसले से लखनऊ में एक बार फिर से बुलडोजर चला। इस बार हुड़कचुल्लुओं की इच्छा है कि न्याय की नजर इकहरी नहीं होनी चाहिए, दो आंख भी हो जाए तो क्या बुरा है। करीब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से यहाँ रहने वाले लोग होने वाले बुलडोजर एक्शन से परेशान हैं, लेकिन अब अपने आशाने को बचाने के लिए यहाँ लोगों ने नया तरीका खोज निकाला है। लोगों का आरोप है कि जहाँ नगर निगम बिजली बिल पानी बिल वसूल रही है, सड़क नाले जहाँ बने हुए हैं, वहाँ अचानक ये कार्रवाई कैसे हो सकती है। ये देखिए, एक बस डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री पेपर है ये, और ये इनका बड़ा मकान है, और ये कह रही है कि ये लीगल है। अब इन्हें इतने सालों बाद अवैध किस आधार पे कहा जा रहा है। आप तो बुलडोजर बाबा हो, बुलडोजर चला रहे, ये बुलडोजर है। हमारे घर में लोगों ने पटाखे छुड़ाए थे कि मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता, हिंदुओं के ऊपर क्या हटा देंगे। यह बदलाव इसलिए कि अकबरनगर में मुसलमान रहते थे और पंतनगर हिंदू बहुल है, इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो। कुछ तो ईमान बचा लो अपना और अपने पेशे का। जब बुलडोजर चलते हैं तब लोगों के सिर्फ घर नहीं टूटते, जिंदगियां टूट जाती हैं, सपने टूट जाते हैं। लेकिन तुम नीचता की हद करते हुए उसमें हिंदू मुसलमान का घर खोज लाते हो। याद है आपको, जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहे थे तब अंजना ओम कश्यप बड़ी मासूमियत से सवाल पूछ रही थी, आधा क्यों तोड़ा, पूरा क्यों नहीं तोड़ा। तो आप लोग जैसे ये जूस कॉर्नर, इसको पूरा नहीं गिराया आपने, सिर्फ लिंटर गिराया, ऊपर वाला पार्ट गिराया, इसकी क्या वजह है? अभी इसका ऑर्डर नहीं है, जितना का ऑर्डर है उतना ही गिराते हो आप लोग, इसको पूरा नहीं गिरा आप। आज वही आज तक पीड़ितों के आंसू पोंछ रहा है। वो सरकारों और प्रशासन से न तब सवाल पूछ रहा था, न अब पूछ रहा है। जो योगी सरकार, जो एलडीए आज बुलडोजर चला रही हैं, वो तब कहां थे जब इन जमीनों पर हजारों हजार मकान बन रहे थे। तुम्हारी लफंगई तुम्हें ये सवाल पूछने नहीं देती। तुम सांप्रदायिक जॉम्बी की तरह मुसलमानों से अलग और हिंदुओं से अलग बर्ताव की कुकुर झोंझों में लिप्त रहते हो, यही तुम्हारी नियति है।